हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनुदर आपका अपने चैनल सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए ये जिराफ लेके आई हूँ। देखिए कितना प्यारा है। आप भी मेरी तरह से घर बैठे अपने बच्चों के लिए या गिफ्ट देने के लिए इस तरह का सॉफ्ट टॉयज़ बना सकते हैं जिराफ। तो आप मेरी चैनल को, मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए इस तरह का आप जिराफ अपने बच्चों के लिए, या सुंदर सा, कितना सॉफ्ट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, आप बना सकती हैं। तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए और साथ साथ में बनाते जाइए। कटिंग जो है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट का नाम है www.renuscreativehub.com। ये नीचे आपको मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर भी एक नोटिफिकेशन चल रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरी वेबसाइट का नाम। तो वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ, मेरी वेबसाइट जो है मोबाइल पे नहीं खुलेगी आपको, क्योंकि आपने उसके पैटर्न को वहाँ से डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपने प्रिंट लेना है। तो प्रिंट लेने के लिए आपके पास प्रिंटर ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जो मेरी वेबसाइट है, जो वहाँ से आप पैटर्न डाउनलोड करते हैं, तो वो मेरी वेबसाइट आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे ओपन कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट लेके कटिंग करके आप बना सकती हैं। जो आपको उधर कटिंग मिलेगी वो बिल्कुल आपके ये साइज़ का, जो मैंने बनाया है इसी साइज़ का आपका बन जाएगा जिरा। तो वहाँ से आप लेके, और बाकी जो जो डिटेल्स हैं वो आपको सारी मेरी वहाँ पर वेबसाइट पे मिल जाएगी कि इसमें कितना कपड़ा चाहिए। वैसे मेरी इस पर भी अभी थोड़ी देर में आपको मटेरियल में दिख जाएगा कि यहाँ पर साइट पे मैं दिखाती हूँ, तो आप देख लीजिए कि कितना मटेरियल इसके लिए आपको चाहिए। वो मटेरियल आप लेके और इस तरह का जिराफ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी YouTube का फॉलो कीजिए प्लीज़। मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो डले आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया की तरफ से एक वीडियो नई डली है, ताकि आप उसको भी देख सकें और एक नया सॉफ्ट टॉयज़ बना सकें। तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं जिराफ बनाना। चलिए सबसे पहले जिराफ का मटेरियल देख लेते हैं। मटेरियल में सबसे पहले हमको कटिंग चाहिए, पैटर्न, जो आप मेरी वेबसाइट www.renuscreativehub.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट लेके और उसको कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पैटर्न है जिराफ का, ये आपको चाहिए। पैटर्न के बाद आपको कपड़ा चाहिए। कपड़े में इस तरह का प्रिंट, जिराफ प्रिंट मार्केट में मिल जाता है, ये आप देख लीजिए, अगर आपके वहाँ पर मिलता है तो इसको ले लीजिए। ये जिराफ का प्रिंट है, ये कोई करीब चाहिए आधा मीटर ये वाला प्रिंटेड कपड़ा चाहिए। इसके साथ में बहुत थोड़ा सा, करीब कोई 10 सेंटीमीटर एक प्लेन कलर का भी कपड़ा ले लीजिए, मैं ये ले रही हूँ। आप इसमें ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क येलो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आपको मिले इसका मैच आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कलर है स्किन का, तो मैं यही ले रही हूँ। ये कोई मुझे 10 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा बहुत छोटा सा एक ब्लैक इस तरह से लॉन्ग फर में चाहिए, अगर है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। ये थोड़ा सा हमको नीचे टेल में लगाना है, बहुत थोड़ा सा ये ब्लैक लॉन्ग फर है, ये मैंने लिया हुआ है एक छोटा सा टुकड़ा। इसके अलावा आपको फाइबर वूल फिलिंग के लिए कॉटन शॉप से मिल जाता है, आप वहाँ से ले लीजिए। इसको फाइबर वूल कहते हैं, पॉली फाइबर या फाइबर वूल, ये चाहिए आपको कोई करीब 200 ग्राम। उसके अलावा आपको सिलने के लिए सुई धागा, मार्क करने के लिए आपको पेन या पेंसिल या चॉक, टेलर चॉक कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो मार्किंग करने के लिए। उसके अलावा चाहिए आपको सीज़र, कैंची कटिंग करने के लिए, और आइज़ और नोज़। अब आइज़ और नोज़ जैसे टेडी बियर की सिंपल आइज़ मिलती है इस तरह से, ये भी आप ले सकते हैं सिंपल वाली, और इनके वॉशर आते हैं
इस तरह से, नहीं तो अगर इस तरह की भी मार्केट में कई बार आईज़ मिल जाती है, ये सिंपल ही आईज़ है, सिर्फ इसमें एक कुछ ये कवर बना हुआ है, तो अगर इस तरह की आपको मिलती है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं मिलती है तो सिंपल वाली जो ये टेडी बेयर की आईज़ है इनको आप यूज़ कर लीजिए। तो ये तो हो गया मटेरियल, तो चलिए शुरू करते हैं जुराब बनाना। चलिए सबसे पहले तो कपड़े पर मार्किंग शुरू करते हैं। तो हम ये पहले प्रिंटेड वाला कपड़ा लेते हैं, इसको आपने रखना है उल्टा करके, उल्टी तरफ। अब जैसे फर होता है उसकी हम डायरेक्शन चेक करते हैं, अगर आप देखेंगे इस कपड़े में भी बहुत ही हल्का सा फर जैसा है ये, तो इसको इसकी मैं डायरेक्शन चेक करूँगी, जो इसकी डायरेक्शन है वो मैं अपनी तरफ रखूँगी, उसको उल्टा साइड ऐसे ले लूँगी। जैसे ये फर की डायरेक्शन है, ये उल्टी डायरेक्शन है, ये सीधी डायरेक्शन है इसकी, तो इसको मैं इसी तरह से ऐसे करके उल्टा अपनी तरफ रखूँगी। नहीं तो आप इस कपड़े का स्ट्रेच भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रेच का मतलब है खिंचाव, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से खींच रहा है और इस तरह से ये ज़्यादा खींच रहा है, तो जिस तरह से ये ज़्यादा खींच रहा है ये देखिए, उस तरह का साइड मैं रखूँगी उल्टा करके इस तरह से बिछा के। वैसे इसमें थोड़ा सा है हेयर, तो मैं हेयर के हिसाब से ही रख रही हूँ। अब इसको हम उल्टा रखेंगे, उल्टा रखने के बाद में आप एक पीस लेंगे, जो भी आपका कटिंग का पीस है, जैसे कि ये इसकी बॉडी का पीस है पूरा, ये बहुत बड़ा पीस है, तो इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे आप, और इस तरह से रखने के बाद में आप इसकी मार्किंग शुरू कर देंगे। तो आप चॉक लीजिए, पेन पेंसिल जो भी है आपके पास, जिससे भी आपकी मार्किंग हो जाएगी, तो आप इसके ऊपर इस तरह से इसको मार्क करना शुरू करिए। अब जैसे ये जो बॉडी है, ये आपने टू पीसेस काटने हैं, इसमें आपको मेरी वेबसाइट पे जो आप प्रिंट आउट करेंगे उसमें लिखा होगा कि कौन सा पीस जो है वो आपने कितने पीसेस काटने हैं। और जैसे कि ये वाला पीस जो है हमने काटना है दो पीसेस, एक आपने सिंपल रख के काटना है और एक आपको रिवर्स करके कटेगा। तो एक पीस तो आपने इस तरह से मार्क कर दिया, एक पीस इस तरह से मार्क हो गया। अब दूसरा पीस हमने इसी का रिवर्स लेना है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये जो इस तरह से पीस था, इसको आपने इस तरह से रिवर्स करना है, और बिल्कुल साथ में जहाँ पर आपकी एक निशान आ रहा है, बिल्कुल साथ में रख के इस तरह से आपने इसकी ये ड्राइंग इस पर ले लेनी है। अब ये लेने के बाद में जब आप इसी तरह से सारे जितने भी आपके कटिंग्स हैं उनकी आपने मार्किंग करने के बाद में उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा पीस जो है आपको प्रिंट में काटना है और कौन सा पीस प्लेन में, इतने के मार्किंग करने के बाद में हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो कटिंग के लिए जैसे कि आप सीज़र लीजिए, और सीज़र लेने के बाद में आप इसको मार्किंग के अकॉर्डिंग काटना शुरू कीजिए। तो सारे पीसेस इसी तरह से आप निशान बना के और उसके बाद में कट करना शुरू कीजिए। देखिए सारे पीसेस की कटिंग हो गई है, बॉडी, अंडर बॉडी, टेल, ईयर्स और फोरहेड और हॉर्न और ये फुट पैड, सारे पीसेस की कटिंग हो गई है। चलिए अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप ईयर के पीसेस हैं उनको आपस में ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं आपके ये ईयर की पीस है, दो काटने थे आपने, ये मैंने प्रिंटेड में काटा है, एक इस तरह से आउटर ईयर है, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से रख के, एक को मैंने इस तरह से कपड़े पे रखा और दूसरे को मैंने इसी को इस तरह से कर दिया, और दूसरा मैंने ये जो है ये मैंने प्लेन काटा हुआ है, इनर ईयर है, ये भी आपने दो पीस काटने थे, एक इस तरह से और एक रिवर्स करके इस तरह से। तो इनको आपने आपस में इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ना है। जैसे कि ये है आपका, ये प्रिंटेड वाला पोर्शन है और ये प्लेन वाला पोर्शन है, इनको आप आपस में इस तरह से उल्टा उल्टा रख के, मतलब ये सीधा सीधा पार्ट आपस में रख के उल्टा रख के, और आपने इसको इधर से इस तरह से सिलाई मार के ये वाला हिस्सा आपने ओपन छोड़ देना है, ठीक है। ईयर्स को जोड़ने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिंटेड कपड़ा और ये कपड़ा आपस में रख के इसको सिलाई लगा लीजिए। मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन से सिल लेती हूँ, देखिए मैंने मशीन से सिला है, लेकिन जिनके पास मशीन नहीं है वो सुई से कैसे सिलेंगे। सुई और धागा, सुई में धागा डालिए और आपने एक साइड पे
पहले सुई निकालनी है, उसके बाद में आपने क्या करना है, हाथ को थोड़ा सा घुमा के और उसके बाद में बिल्कुल साथ में से स्टिच निकाली। ये जो धागा है ये सुई के नीचे से निकलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐसे इस तरह से आएगा, ये देखिए ऐसे। फिर आप थोड़ा सा इसको खींच देंगे, फिर से हाथ घुमाइए और इसको इस तरह से डालिए और इधर से निकाल लीजिए, हाथ घुमाइए और ऐसे निकाल लीजिए, हाथ घुमाइए और ऐसे। अब जिसको ऐसे नहीं समझ आया तो दूसरा तरीका इसमें यह है कि जैसे आपने सुई में धागा डाला, इस धागे को इसके साइड में घुमा दीजिए, सुई के साइड में, और इसको इस तरह से यहाँ से सुई आप निकाल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में आप इसको खींच दीजिए, तो ये इस तरह से करके आपकी पूरी स्टिचिंग जो सुई है वो इसी तरह से सिलेंगे सारा सुई और धागे से। अब आपने क्या करना है, इसको करने के बाद में आपने इसको अटैच कर दिया आपस में दोनों कानों को, इसके बाद में आप इसको सीधा कीजिए और सीधा करने के बाद में आप इसको इसके ऊपर जो फेस है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। अब ये देखिए कान बिल्कुल सीधा कर दिया है मैंने, ईयर कान इधर, ईयर सीधा करने के बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको आप थोड़ा सा नीचे फोल्ड कर देंगे, धागे में गांठ बांधिए और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, ये इस तरह की शेप आएगी इसमें। तो उसको फोल्ड करने के लिए आप वही जो गांठ है उसको बीच में से निकालिए यहाँ से इस तरह से, ये ताकि ये गांठ जो है अंदर रह जाए। अंदर रहने के बाद में आप इसको थोड़ा सा यहाँ से आपस में सिल दीजिए। इसमें आप सिंपल भी सिलाई लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ घुमा के लगाइए, सिंपल भी लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके, जैसे भी लगा के इसको यहाँ से आपस में आप इसको बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद में आप इसको फोरहेड पे अटैच करेंगे। इसको करने के बाद में जो ये बॉडी का पोर्शन है, ये देखिए जो ये हमने बॉडी के दो पोर्शन, ये हमारे बॉडी का पोर्शन था, ये आपने टू पीसेस काटने थे, एक इस तरह से करके और एक इस तरह से रिवर्स करके। अब यहाँ पर ये देखिए निशान बनाया हुआ है ईयर का, यहाँ पर आपने थोड़ा सा कट लगा लेना है, कैंची से काट लेना है, जैसे कि आप देखते हैं ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस तरह से काटा हुआ है। अब ये जो ईयर आपने बनाया है इसको आपने इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करना है, ये देखिए इस तरह से। ये जो प्लेन वाला पोर्शन है ये फेस की तरफ रहेगा और जो प्रिंटेड वाला पोर्शन है ये बाहर की तरफ रहेगा, बैक बॉडी की तरफ से। तो आपने क्या करना है, ये जो आपने फोल्ड लगाया इसको इस तरह से रख के यहाँ पर इस तरह से रखिए, ये जो कट लगाया आपने यहाँ पर इस तरह से रख के और इसको ऐसे और इसको यहाँ पर सिल दीजिए, ऐसे करके सिलाई लगा दीजिए, तो ये ईयर आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक का कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर जो है मैंने इसको इसके बीच में रखा और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से करके फोल्ड और सिल लिया। अब देखिए ये इस तरह से इसके फेस पे ये ईयर अटैच हो गया। इसी तरह से आपने दूसरे साइड पर अटैच करना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने लेना है फोरहेड का स्ट्रिप, ये देखिए ये फोर हेड स्ट्रिप है, ये आपको एक ही पीस काटना था, सिंगल पीस। अब आप देख रहे हैं इसमें निशान लगा रखा है एम और एन। अब ये जो फेस है इसका यहाँ पर भी मैंने दे रखा है, ये एन पॉइंट है, ये सेंटर का पॉइंट इसका एन और यहाँ तक एम है। तो आपने क्या करना है, इसको एन से रख के इस तरह से यहाँ से रख के और ऐसे ऐसे करके और जहाँ तक ये आता है, ये ईयर के थोड़ा सा पीछे तक आएगा, यहाँ तक आपने इसको जोड़ देना है। तो एक साइड से एक वाली बॉडी फेस और दूसरे साइड से दूसरे साइड की जो फेस का प्रोपोर्शन है वो जोड़ना है आपको इसमें। जब आप इसमें ईयर लगा लेंगे, जब आप इसमें ईयर लगा लेंगे, ईयर लगाने के बाद में आपने इसके साथ में ये फोरहेड का पीस जोड़ना है। तो अब देखिए जैसे ये वाला पीस है, इसको आपने क्या करना है, इसके सेंटर से रख के, ये जो इसका मुंह है, मुंह की जो गोलाई है, गोलाई का जो सेंटर है, सेंटर से रख के इस तरह से और ऐसे ऐसे और इस तरह से रख के घुमाते हुए ये यहाँ पर ये जो ईयर का पोर्शन है थोड़ा सा ये बाहर तक आपका आ जाएगा,
इस तरह से यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। और दूसरा साइड में दूसरा वाला जो इसका फेस है वो जो आप जोड़ दीजिए। चलिए इतना कर लेते हैं पहले। ये देखिए, अब फोरहेड का पीस मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, ईयर्स भी जुड़ गए हैं, ये इस तरह से इसका फेस बन गया है। अब आपने क्या करना है, अब इसको इस तरह से रख के हम इसमें अब इसकी बॉडी में हम अंडर बॉडी ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये जो बॉडी है इसमें हम ये अंडर बॉडी है, ये आपने दो पीसेस काटने थे, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से रिवर्स करके। ये जैसे ये वाला है, ये देखिए दो पीसेस हमने काटे हुए हैं, ये और ये, एक सीधा करके और एक को मैंने इस तरह से रिवर्स करके काटा है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर इस तरह से रख के ज्वाइन कर देना है आपस में। फुट के नीचे का पोर्शन आपने छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर हमने इस तरह का फुट पैड लगाना है। जो मैंने प्लेन में काटे हुए हैं, ये आपको फोर पीसेस काटने थे, तो ये इस तरह से प्लेन में काटे हुए हैं, ये आपको फोर पीसेस काटने थे, तो ये बाद में हम इस फुट को नीचे से पैड में, फुट के पैड में ज्वाइन करेंगे। अब आपने यहाँ से सिलाई मारनी है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह से ये वाला पोर्शन आप खुला छोड़ेंगे, ये वाला पोर्शन, और ये फुट के दोनों के नीचे का पोर्शन आपने खुला छोड़ना है। जैसे कि ये वाला आपका रखा हुआ है, इसके ऊपर हम एक वाला पीस ले लेते हैं, जो आपने अब ये चेक करना है जो इस तरह से साइज़ में फिट बैठे, जो इसके साथ में बिल्कुल फुट से फुट मैच करेगा, वो पीस आपने इसके ऊपर रखना है इस तरह से। ये देखिए, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यहाँ से आप ज्वाइन करना शुरू कीजिए, और यहाँ बीच में भी, सेंटर में भी इसको जोड़ दीजिए, और साइड में भी इसको जोड़ दीजिए, ये एक पीस। और इसी तरह से आप दूसरा पीस को, फिर जो दूसरा वाला साइड है उसमें भी आप दूसरे वाले पीस को इस तरह से रखिए और दूसरे वाले पीस को जोड़ लीजिए। तो चलिए इतना जोड़ लेते हैं पहले। देखिए, ये बॉडी का पोर्शन ज्वाइन कर लिया है दोनों साइड से। अब आपने क्या करना है, इसमें जो ये फुट है इसमें आपने फुट पैड लगाना है इस तरह से। ये चार पीसेस काटे थे, मैंने आपको पहले भी बताया, ये इस तरह से जो दूसरे कलर में हमने येलो में काटे हैं चार पीसेस, इनको आपने, ये सीधा वाला साइड है इसका और ये उल्टा वाला साइड है। अब आपने इसी तरह से ये उल्टे उल्टा ही रख के आपने क्या करना है, इसको जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा साइड बाहर की तरफ रखेंगे, और इसको इस तरह से आप सिल देंगे। जैसे इस तरह से करके आप इसको साइड में पूरा इसको हम पूरा राउंड में सिल देंगे आपस में। ये देखिए, अब ये फुट पैड इसमें पूरा लग गया है। इसी तरह से आपने सारे तरफ से फुट पैड लगा के अब आपने इसको यहाँ से सीधा कर लेना है। सीधा करने से पहले आप एक काम कीजिएगा, जितने भी ये जैसे मोड़ वाले हिस्से हैं, जैसे ये वाले हिस्से, इसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आप बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा कट लगा दीजिए ऐसे कपड़े में। उससे क्या होता है, जो ये राउंड वाले हिस्से होते हैं ये इजीली मुड़ जाते हैं। जहाँ भी आपको ये थोड़ा सा, ये मतलब बाहर से फिर इसका सीधा करने के बाद में इसका वो वहाँ पर वो थोड़ा सा एक खिंचाव जैसा नहीं रहता, तो ये थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर ऐसे थोड़ा थोड़ा कपड़े में जहाँ पर भी राउंड जैसा शेप आए वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा कट लगा दीजिए कपड़े में। और इसके बाद में अब आप इसको सीधा कर लीजिए। ये देखिए, अब मैंने सीधा कर लिया है। ये देखिए, वो कट लगाने से यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ आ जाता है, वो इस तरह से वो नहीं रहता, कोई जोला सा नहीं पड़ता है इधर, तो ये अब सीधा हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसके जो ये अंडर बॉडी का हिस्सा है इसको थोड़ा सा, ये जैसे इस तरह से रखा हुआ है इसको थोड़ा सा यूं कीजिए, और जो ये अंडर बॉडी के अब दो हिस्से हैं, इस कॉर्नर से, इस किनारे से आप इसको थोड़ा सा यहाँ तक जोड़ दीजिए इतना पोर्शन, और बीच में से बाकी खुला रखेंगे, और इस किनारे से भी आप
इतना सा जोड़ देंगे और ये बीच का हिस्सा हम थोड़ा सा खुला रखेंगे जहाँ से हम इसका बाद में फिलिंग करेंगे। ये एक तो ये जोड़ेंगे, अंडर बॉडी के हिस्सा जुड़ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, ये इस तरह से सीधा है। इसको यहाँ से पकड़ के आप इस तरह से करके और दोनों को इतना इतना पोर्शन ज्वाइन कर लेंगे, ये इतना पोर्शन आप खुला छोड़ेंगे। इसको करने के बाद में साथ में ये जो टेल है इसकी जिराफ की, इस टेल के साथ में इसकी टेल की टिप जोड़नी है, जो मैंने ब्लैक लॉन्ग फर में काटी है, ये मैंने प्रिंटेड में काटा है। इसको इसके साथ में इस तरह से रख के आप ज्वाइन कर लीजिए आपस में। उसके बाद में आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके ज्वाइन करना है। जैसे कि आप ये देख रही हैं, मैंने ज्वाइन कर ली है। ये यहाँ पर जो ब्लैक वाला मेरा लॉन्ग फर है वो मैंने इसमें टेल में ज्वाइन कर लिया है। अब इसको उल्टा करके और इस तरह से यहाँ से इस तरह से करके और ये किनारा पूरा, ये वाला पोर्शन जो चौड़ा वाला पोर्शन है वो ओपन छोड़ेंगे। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए अब ये ज्वाइन हो गया है, यहाँ से ओपन छोड़ा है। अब आपने क्या करना है, इसके दोनों साइड में आपने सिलाई लगा लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको अब उल्टा करेंगे इस तरह से, और उल्टा करने के बाद में सबसे पहले जो ये बैक वाला साइड है इसको आप यहाँ से सिल लेंगे। उधर सिलने से पहले सबसे पहले जहाँ पर वो टेल का निशान लगाया हुआ है कटिंग में, पैटर्न में, वहाँ पर आप ये इस तरह से इसकी टेल, ये जो टेल बनाई है इसको सीधी कर दी है मैंने सिल के, इसको यहाँ पर रख के आप इस तरह से बीच में और ऐसे करके, और ये बैक वाला हिस्सा जो है इसको आप पूरा ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हम आईज लगाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट वाला हिस्सा सियेंगे। चलिए पहले बैक वाला सी लेते हैं। ये देखिए ये बैक वाला हिस्सा मैंने यहाँ से यहाँ तक सी लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर अंदर से टेल भी सी ली है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी आईज लगाएंगे, उसके बाद हम इसका फ्रंट पोर्शन भी बंद कर देंगे। फिर हम इसको यहाँ नीचे से जो हमने कटआउट छोड़ा है यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास स्केल है या इंची टेप है कुछ भी लीजिए आप, जो आपने ये एयर का जो कट लगाया है, जो आपने यहाँ पर जहाँ पर एयर आपने जोड़ा है वहाँ से आप करीब कोई 1.5 इंच, वहाँ से करीब 1.5 इंच और ऊपर से करीब ये जो ऊपर की सिलाई है यहाँ से करीब कोई 1/2 इंच, आधा इंच, ये देखिए ये आधा इंच यहाँ पर मैंने ये निशान लगाया है, पेन से निशान लगा लीजिए। तो इसी तरह से आप दोनों साइड में कर लीजिए, यहाँ से भी आपको करीब 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच, और ये निशान लगा लीजिए। और उसके बाद में इनको थोड़ा सा आप किसी भी सीजर से या किसी चीज़ से उसको थोड़ा सा हम कट लगा लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, और यहाँ पर हम इसकी ये देखिए छोटा सा कट लगाया, दोनों साइड से लगा लेंगे छोटा सा कट, ठीक है। और उसके बाद में हम जो ये आईज है ये यहाँ से जो हमने कट लगाया है ये देखिए इस पे हम ये आईज लगा देंगे, और साथ में ही उसके साथ में हम इसका वॉशर से इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो दोनों साइड से आई लगा लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ की आईज लगा ली है। अब आप इसको फिर से उल्टा करके और अब जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है आपका, इसको पूरा आप यहाँ तक जहाँ तक आपका खुला हुआ है यहाँ तक सिल दीजिए। उसके बाद अब ये जो नीचे आपने कट छोड़ा है यहाँ से इसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। ये देखिए साइड से भी सिल लिया है। अब सीधा करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी थोड़ा सा राउंड सर्कल का पोर्शन जहाँ पर भी ये थोड़ा सा राउंड जैसा आता है वहाँ पर हल्का हल्का कपड़े में इस तरह से कट लगा दीजिए, उससे जो ये पोर्शन है सीधा करने के बाद में थोड़ी सी स्मूथनेस आती है। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर
राउंड का पोर्शन है, जैसे ये गले के अंदर का पोर्शन है इसका, यहाँ पर भी थोड़ा सा लगा दीजिए ऐसे कपड़े में कट, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे थोड़ा थोड़ा कट लगा दीजिए, थोड़ा सा फ्रीली ये इससे स्मूथनेस थोड़ी सी आती है इसके सीधा करने के बाद में, तो जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लगता है वहाँ पर आप थोड़ा सा कट लगा के और इसके बाद में इसको अब नीचे से हम सीधा कर लेते हैं। अब जो ये नीचे का पोर्शन ओपन छोड़ा है हमने, यहाँ से अब आप इसको सीधा कर लीजिए। देखिए अब हमने सीधा इसको कर लिया है। अब सीधा करने के बाद में अब इसको हम स्टफिंग करते हैं, इसको पॉलीफाइबर से हम स्टफ करते हैं और उसके बाद हम बंद करके और उसके बाद में इसमें हॉर्न्स लगाने हैं। तो चलिए पहले पॉलीफाइबर भर लेते हैं। ये देखिए अब इसकी फिलिंग कर दी है यहाँ से सारी, थोड़ा थोड़ा फाइबर लेके आपने इसको फिल कर देना था, भर के थोड़ा थोड़ा लेके, तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने फिल कर दिया है। अब ये जो नीचे का पोर्शन है इसको आपने बंद कर देना है। तो बंद कैसे करना है, सुई में धागा डालिए, पहला गांठ होती है इसीलिए पहला एक अंदर की तरफ से निकालिए सुई और उसके बाद में आपने दूसरा साइड है उसको इस तरह, अब आप देखिए सुई से इस तरह से सिल लीजिए, एक तरफ से धागा निकाला आपने, अब आप एक साइड से बाहर से ही इसको एक स्टिच इस तरह से निकाल लीजिए और फिर दूसरे साइड से थोड़ा सा गैप छोड़ के निकालेंगे आप, तो ये आपस में इस तरह से बंद होता चला जाएगा। अगर आपने मेरी और भी वीडियोस देखी हैं तो उन वीडियोस में भी मैंने दिखाया हुआ है किस तरह से ये जो बॉडी बंद मतलब बंद करने का होता है प्रोसीजर, किस तरह से हम इसको सिलते हैं, वो आप वैसे वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए साथ साथ में, ताकि और लोग भी अपने घर बैठे हुए अपने लिए सॉफ्ट टॉयज और गिफ्ट देने के लिए इस तरह से सॉफ्ट टॉयज बना सके घर बैठे ही। तो अगर आप और चाहते हैं कि मैं और इस तरह से टॉयज़ बनाऊं और आप लोगों को और चीज़ें सिखाऊं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो इस तरह से हम इसका बैक जो है नीचे बंद कर देते हैं। ये देखिए इसी तरह से आपने बंद करने के बाद में आप इसको भी बंद कर दीजिए यहाँ पर, और बंद करने के बाद में आपने क्या करना है, सुई को इधर से डाल के आप सुई को कहीं और से निकाल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में आप इसको यहाँ पर कट कर लीजिए। ये देखिए अब इसका हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसके बाद में आप क्या कीजिए, ये हॉर्न्स थे ये आपने चार पीसेस काटने थे, इनको आपने आपस में रख के इस तरह से सिल लीजिए, यहाँ पर एक साइड नीचे का खुला छोड़ दीजिए और उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा कॉटन लेके, ये देखिए मैंने बनाया है उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कॉटन लेके इसको बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने भर दिया है। अब इसको भरने के बाद में ये जो हॉर्न्स है ये आपको यहाँ पर लगानी है इस जगह पर, ये देखिए इस तरह से लगाने हैं दोनों साइड से एक इधर। अब ये चीज़ आप चिपका भी सकते हैं और इसको सुई से सिल भी सकते हैं, अगर आपके पास फेविग्लू है तो आप इसको यहाँ पर चिपका भी दीजिए तो ये चिपक भी जाएंगे, और नहीं तो सुई से इस तरह से राउंड करके सिल दीजिए, दिखाते हैं कैसे। ये देखिए इस तरह से आपने ये बंद कर देना है इसके साथ में, जैसे मैंने एक बंद कर रखा है, इसमें से सुई निकालिए सींग में से और नीचे फेस में से यहाँ से इसी तरह से पूरा राउंड करके आपको ये बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये पूरे में बंद कर दिया है। अब आप इसको सुई को यहाँ से इसका एक लास्ट गांठ लगा के और कहीं और से निकाल लीजिए सुई।
इसके बाद में इस सुई को आप यहाँ से डाल के और पीछे कहीं से निकाल के और इसको यहाँ पर काट दीजिए। तो आपके जिराफ के ये देखिए सींग भी लग गए हैं। ये देखिए इस तरह से आपने ये बंद कर देना है। इसके साथ में जैसे मैंने एक बंद कर रखा है, इसमें से सुई निकालिए सींग में से और नीचे फेस में से यहाँ से इसी तरह से पूरा राउंड करके आपको ये बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये पूरे में बंद कर दिया है। अब आप इसको सुई को यहाँ से इसका एक लास्ट गांठ लगा के और कहीं और से निकाल लीजिए सुई। इसके बाद में इस सुई को आप यहाँ से डाल के और पीछे कहीं से निकाल के और इसको यहाँ पर काट दीजिए। तो आपके जिराफ के ये देखिए सींग भी लग गए हैं। आपको ऑलमोस्ट जिराफ रेडी है। अब इसमें लास्ट फिनिशिंग करते हैं, इसकी थोड़ी सी यहाँ पर नोज़ बना लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बनाई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे साइड से कैसे बनानी है। तो जैसे ये यहाँ पर है, इसके बाद में ये जो कॉर्नर आ रहा है इससे हम इस तरह से ये धागा ले लेंगे। तो ये यहाँ पर बना ही हुआ है शेप, आपने इधर से इसको करके और यहाँ से करके वो थोड़ा नीचे सुई निकाल लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट में, जहाँ पर ये स्टिचिंग आपकी आ रही है इसकी, वहाँ पर आप इसको सुई को निकाल लीजिए। ये देखिए ठीक है। इसके बाद ये ऐसे करके वापस यहाँ से और आप इसको यहाँ इसके बीच में से भी निकाल सकती हैं। ये देखिए जैसे मैंने निकाला है, फिर नीचे से निकाल लीजिए, जो नीचे से आप लाई हैं उसमें से निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से, और इसी के सीध में बिल्कुल यहाँ पर आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए ये इसका फेस बन गया है, थोड़ा सा मुंह बना लिया है। अब यहाँ पर जैसे कि ये मैंने नोज सी बनाई है, इस तरह से आप बना लीजिए। आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरह से इसको साथ साथ में इसी ब्लैक थ्रेड से थोड़ी सी कढ़ाई करनी है। साथ साथ में बिल्कुल सिलाई ले लीजिए आप, बिल्कुल साथ साथ में इस तरह से और ऐसे करके। जो यहाँ पर ये ब्लैक निकाला है आपने, बिल्कुल इसके साथ में लीजिए आप। उसके बाद में आप यहाँ से जो शुरू किया था वहाँ पर एक ऊपर का और एक इसी तरह से नीचे वाला, नीचे की लाइन एक ऊपर की लाइन और फिर इसको यहाँ पर आप बंद कर दीजिए। यहाँ पर एक फिनिशिंग दे दीजिए लाइन लास्ट वाली। ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड से हमने इसकी नोज बना ली है और आप यहाँ पर इसको बंद करके और इस सुई को आपने किसी और जगह से निकाल लेना है। यहाँ से डालिए और कहीं से भी आप, नीचे से कहीं से भी आप इस सुई को निकाल के
थोड़ा सा खींच के और यहाँ पर कट कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जीरा बनके बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा आपको? तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा जीरा बिल्कुल बनके रेडी है। सॉफ्ट टॉयज मेड इन इंडिया की तरफ से आपके लिए एक और नई पेशकश। देखिए कैसा लगा आपको। अब आप भी मेरी तरह से इस तरह से बनाइए और अपने बच्चों के लिए गिफ्ट करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप इस तरह से बना सकती हैं। और जो कटिंग है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट का नाम है www.renuscreativehub.com। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं। लेकिन मैं फिर अपने दोस्तों को बताना चाहूँगी कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये मोबाइल पर नहीं खुलेगी। प्लीज़ 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 मेरी वेबसाइट को कंप्यूटर या लैपटॉप पे ओपन करके वहाँ से आप ये प्रिंट आउट डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए। तो इस तरह से आप बनाइए। आपको कैसा लगा मेरा ये जिराफ नया? और प्लीज़ मेरी चैनल को शेयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और एक नोटिफिकेशन बेल का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब भी मेरी तरफ से कोई नई वीडियो सॉफ्ट टॉयज मेड इन इंडिया की तरफ से नई वीडियो डले तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप उस तरह की बना सकते हैं अपने लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।